ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो चलो गाइस, आज तुमको ना फ्री फायर कुछ मस्त वाले बग्स दिखाता हूँ, क्योंकि इस वाले अपडेट में ना इधर उधर से घुस के हमारे गेम के अंदर एंट्री कर चुके। अब पता ही होगा ऐसे बग्स बहुत जल्दी फिक्स हो जाते हैं, तो उससे पहले ट्राई करना तो बनता है ना। हाँ यार, ट्राई कर लेना, बट उससे पहले देखना भी तो पड़ेगा ना यार कि बग है कौन सा। बहुत ज्यादा मस्त एंड अमेजिंग सा है यार, ट्राई तो जरूर से कर लेना। वैसे हम बग्स यूज करने में तो कुछ ज्यादा आगे होते हैं, चलो ट्राई करते हैं। ओके, तो सबसे पहला वाला है ना, ये ट्रेनिंग ग्राउंड होने वाला है। तो सबसे पहले एक गन को अपने कर लेना और जस्ट ट्रेनिंग को स्टार्ट कर लेना। जैसे स्टार्ट करोगे ना, तुरंत से जो यहाँ पर शॉप होता है वहाँ पे जाना, एक कोई सा भी गन को बाय कर लेना और सीधे चलना गेम के अंदर। और यहाँ पर एक बात याद रखना, तुम्हें अपने रन बटन का यूज नहीं करना, बस जॉयस्टिक का यूज करना है, और अपने हाथ में एक गन को लेना भी मत। और होगा क्या, देखो यार, तुम लोग कहते हो ना यार कोई इनविजिबल ट्रिक बताओ, यार लो वही तो है गाइस, ये देखो। अब तुम जैसे इस स्टेप को फॉलो करोगे ना, तुम ट्रेनिंग ग्राउंड पे हो जाओगे इनविजिबल। जैसे अगर तुम देख सकते हो, हाँ पहले जो ट्रिक होते थे ना गाइस, थोड़े बहुत वो हार्ड होते थे इनविजिबल करने के लिए, बट अभी अपडेट के साथ ना एक पता नहीं कौन सा ग्लिच है क्या है, बट हाँ जैसे तुम इस रूल को फॉलो करोगे ना, तुम्हारा कैरेक्टर इनविजिबल हो जाता है, तो तुम ट्रेनिंग में बिंदास इधर उधर घूम सकते हो। और ऐसा नहीं कि तुम किल नहीं कर सकते, किल भी कर सकते हो, बट हाँ तुम गन का यूज नहीं कर सकते, तुम्हें अपने फिस्ट का यूज करना होगा और उसी से टपको जितना पीट सकते हो पीट लेना। और हाँ, इस वाले ट्रिक को जरूर से ट्राई कर लेना, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी एपेक्स भी हो जाए और बहुत ज्यादा सिंपल सा भी यार, तुरंत से मतलब इजीली तुम ट्राई कर सकते हो, है ना मस्त वाला। चलो और भी बताता हूँ, नेक्स्ट वाला ये वाला ना सोशल आइसलैंड पे। अब पता होगा यहाँ पे हम अपने गाड़ियों को उस साइड से इस साइड कैसे ला सकते हैं, ये शायद आई थिंक सबको पता चली गया होगा, क्योंकि यार बहुत बार मैंने ही बता रखा है एंड तुमने भी देखा ही होगा। तो इस बार हमने गाइस यहाँ पे एक मॉन्स्टर को लाया था, बट बंदों को क्या ही बोलूं यार, उसे छोड़ो। ये जो तुम छोटा वाला बॉक्स देख रहे हो, हाँ यही ब्लू कलर वाला। अब क्या करना है, किसी एक व्हीकल को यहाँ पे लेकर आना है और उस ब्लू बॉक्स के ऊपर चढ़ा देना है। बट यार ये मॉन्स्टर को ये लोग छोड़ ही नहीं रहे भाई, पहली टाइम फर्स्ट टाइम देख रहे क्या ये मॉन्स्टर किस साइड पे। ओके, अब ये तो मिलने से रहा नहीं, तो यार मेरे हाथ में एक जीप लगा किसी तरह से, तो मैंने उसे लिया और भाई जस्ट उस बॉक्स के ऊपर ना इस व्हीकल को खड़े कर देना सामने और छोड़ देना। देन गाइस ये लो, तुम्हारा जो व्हीकल है ना वो हवा में इस तरह से फ्लोट करने वाला है। और यही नहीं, अब तुम्हें पता होगा अगर तुम इस साइड पे गाड़ी लेकर आओगे ना और गलत उसमें ड्राइव की जगह छोड़ दिया है, भाई कोई ना कोई बंदे तो सर लेकर भाग ही जाएंगे। बट अगर तुमने एक बार इस व्हीकल को इस जगह पे आके खड़ा कर दिया ना, किसी का बाप भी उसे हिला नहीं सकता वहाँ पे। अब पता नहीं क्या होता है कैसे होता है, बट वो पूरी तरह से हवा में हो जाएगा एंड वो पूरी तरह फंस भी जाएगा, हिलने वाला भी नहीं है वहाँ से, भाई कोई नहीं निकाल सकता उसे। तो गेम के अंदर तुमने सैंटिनो कैरेक्टर का यूज तो किया ही होगा यार, फ्री मिल रहा था तब से इसे बहुत सारे लोग यूज कर रहे थे। तो क्या करते हैं इसका यूज, क्या इस भीमा शक्ति के ऊपर गन लाने के लिए या फिर फैक्ट्री के ऊपर गन लाने के लिए, ऐसे ही ना, या फिर हो सकता है इसे फेंक देना कहीं पे और टेलीपोर्ट करके तुरंत से वहां से यहां जाने के लिए, ऐसे यूज करते हो यार? ऐसा तो नॉर्मल सी बात है, तुम इसे प्रो लेवल का भी यूज कर सकते हो, जिससे बहुत ज्यादा तुम्हारी हेल्प होने वाला है। करना क्या है वो देखो, अब शायद तुम्हें इसे रिवर क्रॉस करने के लिए यूज तो किया होगा, चेस्ट रिवर के सामने इसे खोल देना है एबिलिटी को और बस वेट करते रहना है, वो रिवर का क्रॉस करेगा टेलीपोर्ट करके हम वापस जा सकते हैं। बट पता होगा ना इतने में तो भाई ये आधा में रह जाता है, बंदे तो पीट ही डालेंगे, तो तुम्हें इस तरह से नहीं करना, चेस्ट एबिलिटी को यूज करना है, स्विम करना है और एबिलिटी को ऑन कर देना है। एंड तुम जब ऐसा करोगे ना, तुम्हारा कैरेक्टर पानी के अंदर भी सांसें ले सकता है, मतलब वो भाई तुम पानी के अंदर भी बैठ सकते हो, पूरी तरह से हाइड और बंदों को फायर भी कर सकते हो, और इस तरह से तुम चाहो तो अपने सर्वाइव भी कर सकते हो अपने गेम के अंदर पूरी तरह से हाइड। ये कौन सा ड्रॉप है भाई, नशे करके आया है क्या, ऐसे क्यों जा रहा है ये। ओके एनीवे, अब चाहो तुम इस ड्रॉप को भी लूट सकते हो पानी में बैठने के बाद, यार किसी को पता भी नहीं चलेगा, अब जो बंदे से लूटने आएगा ना वो तो पक्का ही पीटने वाले। एंड एक और है, अगर तुम सेफ जोन से मतलब जोन से बाहर जा रहे हो ना, उस टाइम भी तुम्हारे बहुत ज्यादा साथ देने वाला है, बस एबिलिटी को यूज कर देना, मेडिकेट यूज करो, और जब तक तुम मेडिकेट यूज करोगे ना तब तक तो तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो जोन से बाहर भी जा चुका होगा, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ट्राई करना। चलो यार ये तो एक कैरेक्टर की बात ना, अब देखो तुम्हें पता होगा ना हमारे गेम के जो पेट्स होते हैं बहुत ज्यादा पिद्दू एंड छोटे से होते हैं, हमारे पैरों के बराबर भी नहीं आते। अगर मैं बोलूं कि इस तुम पेट को इतना बड़ा कर सकते हो कि तुम्हारे कैरेक्टर का साइज का हो सकता है, तो यकीन करोगे नहीं? चलो बताता हूँ गाइस, ये भी तुम कर सकते हो। सो इसे करने के लिए तुम अपने स्टोर वाले सेक्शन पे आ जाना, पेट वाले पे। अब पेट पे जैसे क्लिक करोगे, चूमट पे क्लिक करना, ये नॉर्मल सा टिंगू छोटा सा देखने को मिलेगा। चलो अब इसे बड़ा करते हैं, तो बड़ा करने के लिए क्या करना है ना, तो पेट को कंटिन्यू लगातार क्लिक करते रहना है। अब दोनों फिंगर का भी यूज कर सकते हो अपने हाथ में, जैसे चाहो वैसे करो, पर दोनों को स्पीड में लगातार क्लिक करना है और जस्ट तुरंत से इस स्कोप वाले बटन पे क्लिक
लेके देना है। लो यार हमारा बड़ा पांडा रेडी है। हाँ याद रहे गाइस मैंने क्या बोला, दो पेट्स को लगातार क्लिक करना है और तुरंत स्पीड में उस स्कोप वाले बटन को क्लिक करना है और तुम्हारे पेट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। वैसे बेचारा इसके नीचे सिवा दबा पड़ा है। और तुम यही नहीं, तुम चाहे किसी भी पेट के साथ कर सकते हो, जैसे कि तुम्हें किसी भी करना होगा ना उस पे लगातार क्लिक करना और स्कोप पे करना। और ये शार्क महोदय तो कुछ ज्यादा ही बड़े दिख रहे हैं एंड खतरनाक सा भी दिख रहा है भाई। और इस वाले को चलो ट्राई करते हैं। और ये लो भाई देख रहे हो, नीचे बेचारे पेंगुइन का मतलब बतख का पक्का बना दिया इसने। और ये उल्लू का पट्टा तो कुछ अबे साले ज्यादा खतरनाक लग रहा है। बट हाँ इस वाले को तुम ट्राई कर सकते हो, बहुत ज्यादा ही मस्त है और अपने फ्रेंड को ना सरप्राइज कर सकते हो यार। इसके लिए एक लाइक कर देना, साथ में अपने फ्रेंड को शेयर करके बता भी देना गाइस। चलो एक और बताता हूँ भाई, कसम से इसे देख कर तो तुम पक्का पूरी तरह शौक होने वाले हो, क्योंकि इसका यूज ना भाई बहुत खतरनाक है। ये देखो गाइस, अभी हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर एक यहाँ पर कैरेक्टर पड़ा हुआ है जो कि ना मुझे मार सकता है, कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ उल्टा हम भी इसे नहीं मार सकते। ये बस अपना मूवमेंट वगैरह कर रहा है, गन चेंज कर रहा है, दौड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। बट अगर तुम इसे कितना भी फायर करोगे ना इसे कुछ भी नहीं होने वाला। एक तरह से बोलो तो यार इसका हेल्थ भी अनलिमिटेड हो चुका है। हाँ, और ये एक नहीं, तुम चाहो ना तो पूरे जो ट्रेनिंग ग्राउंड है उसपे हम ऐसे काले कैरेक्टर पूरे पूरे भर सकते हो, मतलब बहुत सारी। ये तो एक ही ना, अभी दिखाता हूँ यार मैजिक। हाँ कैसे करते है वो भी बताता हूँ, बहुत ज्यादा गजब जाएगा इस ये वाला। तो इसे तो तुम मार नहीं सकते चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो। और ये एक यहाँ पर है एंड दूसरा वाला भाई देखो इस जगह पे पड़ा है जो कि रन कर रहा है, एंड तीसरा वाला एक्सपोज के अंदर पड़ा हुआ है। तो आखिर में हो कैसे रहा है, चलो दिखाता हूँ गाइस कैसे करते हैं। तो इसके लिए बस एक सिंपल सा स्टेप है, क्या करना है तुम्हें बस गेम को प्ले करते रहना है और एक जगह पे खड़े होकर ना गेम को जस्ट मिनिमाइज कर देना है इस तरह से। और तुम्हें बस एक या दो मिनट का, हाँ थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, एक मिनट तक पक्का कम से कम रहना पड़ेगा तुम्हें इस तरह से। अब जब एक मिनट हो जाएगा ना उसके बाद तुम फिर से गेम को ओपन कर देना एंड देन तुम मैप में जब जाओगे ना तो जब तुम्हारा एंड लोकेशन, जैसे कि मेरे देख सकते हो इस जगह पे एक एंड वाला लोकेशन आया, अब मुझे यहाँ पर रिवाइव कर देना। और रिवाइव करने के बाद जैसे तुम गेम के अंदर आओगे और जहाँ पे तुम पहले थे ना उस जगह पे जाओगे तुम, तो वहाँ पर तुमको एक नया क्लोन देखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हो हमारा फर्स्ट वाला तो इस जगह पे था नंबर वन, एंड दूसरा वाला ये रहा भाई जो कि रन कर रहा है थोड़ा थोड़ा मूवमेंट से, एंड तीसरा वाला ये है एक्स बॉक्स के अंदर जो कि छिपा पड़ा है, एंड चौथा वाला यहाँ पे है जो कि कुछ ज्यादा तरीके से रन कर रहा है और ये अपने गन भी चेंज कर रहा है। भाई बहुत ज्यादा ओसम लग रहा है ये। एंड ये तो रहा चौथा वाला ना, पांचवा वाला हमारा इस जगह पे है क्योंकि मैंने इस चीज को काफी बार ट्राई किया, पांच बार तो यार पांच क्लोन तो बने जाएंगे ना। अब तुम लोग सोचो अगर इसी को तुम 10 या 20 या 50 बार ट्राई कर ले तो गेम को मिनिमाइज करना, ओपन करना, पूरे को पूरे गाइस ट्रेनिंग ग्राउंड में बस ऐसे बंदे देखने को मिलेंगे जो कि क्लोन बने हुए हैं और ये तुम्हें ना मारेंगे ना इसे तुम मार सकते हो, बट हाँ बहुत ज्यादा अजीब सा फील होगा। हाँ, एक बात तो मैंने तुम्हें बताने ही भूल गया, ये जो सारे क्लोन देख रहे हो ना ये बस तुम्हें ही दिखने वाले, क्योंकि यार ट्रिक का तुमने तो यूज किया है ना, तो भाई बाकी बंदे को कैसे दिखने वाले, तो बस तुम्हें ही दिखेंगे, बाकी किसी और प्लेयर को नहीं दिखने वाला। ट्राई कर लेना यार, हो सकता है पता नहीं कब फिक्स हो जाए। हाँ उससे पहले एक छोटा सा और भी ग्लिच तो नहीं बोल सकते बट हाँ एक ट्रिक है, इसे यूज कर सकते हो क्योंकि यार ये तो बस ग्राफलैंड मैप में ही वर्क करता है। अब तुम अगर ग्राफलैंड मैप खेलते हो ना भाई उसके अंदर ओकोंग को लेकर जाना ऐसे मोड के अंदर जहाँ पे तुम्हारे कैरेक्टर का एबिलिटी अनलिमिटेड हो। एंड अब तुम अगर स्नाइपर गन लेते हो ना कोई सा भी, भाई तुम्हारा स्नाइपर तो पूरा एक स्कार का फील देने वाला, मतलब MP40 की तरह चलने वाला है, एक भी रिलोड नहीं करना। क्या है ना गाइस, एक फायर करना है अपने ओकोंग के एबिलिटी का यूज करना है, फिर से फायर करना है, फिर से यूज करना है, मतलब इस तरह से कंटिन्यू बहुत ज्यादा फास्ट करोगे ना, हाँ ये इतना ज्यादा फास्ट चलता है कि तुम्हारी गोलियां कब खत्म हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये देखो कोई रिलोड नहीं, डायरेक्टली फायर करते जाओ, फायर एंड एबिलिटी यूज, फायर एंड एबिलिटी यूज, बस हो गया। वैसे शायद इसे कम ही लोग यूज करेंगे बट हाँ बाकी जो मैंने बताया ना वो बहुत बेटर एंड मस्त है गाइस, ट्राई कर लेना क्योंकि यार ऐसी चीजें बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है। सो एक बार ट्राई करना तो बनता है ना, कर देना यार वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना याद से गाइस। चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।